और बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, वन रक्षक पेपर लीक मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और एसओजी की ये बड़ी कार्रवाई, वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा ये मामला। वन रक्षक पेपर लीक मामले में 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां पर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई की है और 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। और लगातार पुलिस पेपर लीक मामले पर कार्रवाई करती हुई और ये बड़ा एक्शन पुलिस और एसओजी की ओर से लिया गया, जहां पर अब तक 11 आरोपियों को वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से पेपर लीक मामले के अंदर यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और 11 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। और ज्यादा जानकारी के लिए किशन सेन हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस और एसओजी की ओर से कि अब तक 11 आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और ये बड़ा मामला भी काफी गंभीर है, पेपर लीक मामले का से जुड़ा ये मामला है, तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 11 आरोपी हैं, लेकिन आगे पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस फिलहाल कर रही है, क्या जांच चल रही है? देखिए गुनगुन, पेपर लीक के मामले के अंदर में पहले भी पुलिस ने है काफी गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से एक दिन पूर्व से एसओजी की एंट्री हुई है, उसके बाद के अंदर में आज बड़े स्तर पे गिरफ्तारी की गई है। ये जो पूरा मामला है, जो वन रक्षक भर्ती जो 2022 का मामला है गुनगुन, उसी मामले के अंदर में ये लोग लीक थे और 2022 के अंदर में ये पेपर लीक हुआ था। इसकी पुष्टि होने के बाद के अंदर में जो एसओजी की टीम है वो बांसवाड़ा के अंदर में एंट्री मारी और कहें तो पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के सुपरविजन के अंदर में एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो वन रक्षक पेपर लीक मामले के अंदर में लिखते हैं। जी गुनगुन जी, शुक्रिया आपका किशन, तमाम जानकारी के लिए।